वो सीधे लिए चलते सुल्तानपुर, वहां पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित कर रहे हैं जनसभा को, सुनाते हैं। जनता पार्टी को मिलेगा वो वोट देने के मन से आए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपके माध्यम से मैं आपसे नहीं, आपके माध्यम से सुल्तानपुर की तमाम जनता से वोट मांगने के लिए आया हूं। और जब मैं वोट की बात करता हूं तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, कभी किसी को इस आधार पर वोट मत देना कि वह आगे क्या करेगा। किसी पार्टी को इस आधार पर मत देना कि वह आगे क्या करने वाली है। वोट का आधार यह होना चाहिए कि पीछे उस पार्टी ने क्या किया है, वही तय करेगा कि वह आगे क्या करने वाले हैं इस कांग्रेस में। और जब मैं ये कहता हूं तो ये हमारे ही नेता हैं जो छाती ठोक करके सुल्तानपुर की जनता के सामने जाकर कह सकते हैं, अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के जाते हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी, समाजवादी पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस कभी भी अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के नहीं आती है, हमेशा नए नए नारे लेकर के आती है। ये हम ही हैं जो कहते हैं कि जो कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। ये हमारा दम है। आप बताइए, आज अयोध्या में दीपोत्सव मनता है, आप बताइए कि आज भव्य कुंभ होता है कि नहीं होता है? दुनिया में कुंभ का नाम होता है कि नहीं होता है? दीपोत्सव का नाम होता है कि नहीं होता है? कृष्णा उत्सव के रूप में, कृष्ण उत्सव के रूप में मथुरा जाना जाता है कि नहीं जाना जाता है? और उसी तरीके से वाराणसी में देव दीपावली होती है कि नहीं होती है? ये पहले किसने रोका था? क्यों अयोध्या सूनी पड़ी थी? क्यों दीपोत्सव नहीं होता था? क्यों भव्य कुंभ नहीं होता था? क्यों कुंभ की गलत गलत कहानियां आती थी? आज कृष्णा उत्सव, कृष्ण उत्सव क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जब नेतृत्व तो सही होता है तो जनता को भी सही दृष्टि मिलती है, यह भी हमको याद रखना है। और इसीलिए मैं ये आप सबको बताने आया हूं। मित्रों, मैं युवा साथियों का जोश समझ सकता हूं, लेकिन मेरे होश को भी ध्यान में रखो। मैं ये बताना चाहता हूं, यह पार्टी सिर्फ विनोद जी को, सीताराम जी को, ओम प्रकाश पांडे जी को, राजेश गौतम जी को, राम प्रसाद जी को विधानसभा में पहुंचाने के लिए नहीं आई है। यह पार्टी इनको विधायक इसलिए नहीं बनाने आई है कि इनको विधायक बनाना है। यह पार्टी इसलिए इनको विधायक बनाना चाहती है क्योंकि इनके माध्यम से उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलनी चाहिए, इस बात के लिए आई है। यह हमारा रास्ता और उसका माध्यम विनोद सिंह है, उसका माध्यम हमारे प्रत्याशी। ये पासपोर्ट है, ये लाइसेंस है, और ये लाइसेंस आप देने वाले हैं आने वाले समय में। और किस लिए देने वाले हैं? हम गद्दी पर बैठते नहीं आए हैं, हम कुर्सी पर बैठते नहीं आए हैं, हम कुर्सी के माध्यम से भारत देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे चले, इस पर मोहर लगवाने आए हैं, और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, इस बात की मोहर लगवाने आए हैं। आप बताइए, हम कहते हैं हमारी विचारों की पार्टी है। जब मैं विचारों की पार्टी कहता हूं तो याद कीजिए, सारे राजनीतिक दल देश की एकता की बात करते हैं लेकिन धारा 370 के खिलाफ वोट डालते हैं सारे। और ये भारतीय और ये भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और मोदी जी की इच्छा शक्ति
और गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया, ये भी आपको याद रखना। ये आपको मैं इसलिए सुना रहा हूं कि हम किसी उद्देश्य के लिए आए हैं, हम किसी उद्देश्य के लिए आए हैं। बताइए, सदियों से आप राम जन्मभूमि की बात करते थे, सदियों से। कभी किसी ने सोचा, कभी किसी ने सोचा अन्य पार्टियां क्या करती रही? बताइए, समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चलाई थी कि नहीं चलाई थी? चलाई थी कि नहीं चलाई थी? बताइए, कांग्रेस पार्टी ने यही राम जन्मभूमि को अटकाया था, भटकाया था, लटकाया था कि नहीं? लटकाया था कि नहीं? कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में बोलते थे, इसका फैसला ना होने दो, इसका फैसला होगा इसको अटका दो, इसका फैसला हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाएगा। अरे, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनना था, तुम बीजेपी का फायदा नुकसान देख रहे थे, तुम लटका रहे थे। आजकल ये दीगर बात है कि राजनीति में तुम लटक गए, अटक गए और भटक गए, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में अब भव्य राम मंदिर वहां बन रहा है, ये भी हमको याद रखना है। बोलो जय श्री राम। ये हम विचारों की लड़ाई लड़ने आए हैं। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 3 तलाक को समाप्त करो, ये मुस्लिम महिलाओं के लिए अभिशाप है, ये बहुत बड़ा दंश है, इसको समाप्त करो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, किसी भी राजनीतिक दल में ये ताकत नहीं थी, किसी भी राजनीतिक दल के नेता में ये रीढ़ की हड्डी नहीं थी कि वह इसको हटा दे। वो समझौता करते थे, वो तुष्टिकरण की राजनीति करते थे। ये मोदी जी हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पार्लियामेंट में लाकर कानून बना करके मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से आजादी दिला दी, ये भी हमको याद रखना चाहिए। और आपको भी जानकारी होनी चाहिए, 3 तलाक पाकिस्तान में नहीं है, 3 तलाक अफगानिस्तान में नहीं है, 3 तलाक बांग्लादेश में नहीं है, 3 तलाक ईरान में नहीं है, 3 तलाक इराक में नहीं है, 3 तलाक सीरिया में नहीं है, 3 तलाक बहुतायत मुस्लिम देश इंडोनेशिया में भी नहीं है। लेकिन हमारा देश जो सेक्युलर देश था, यहां 3 तलाक जारी था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जारी था। ये मुस्लिम बहनों को आजादी दिलाने का काम किया तो विचारों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने करके दिया, ये हमको याद है। इसलिए मित्रों, हम एक विचारों से जुड़े हुए पार्टी। दूसरी बात, हम गांव, गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति, हमारी महिला शक्ति, हमारे नौजवान युवा, हमारे किसान भाई, इनके लिए समर्पित है तो भारतीय जनता पार्टी है, ये याद है। और ये मैं, और फिर ये मैं भाषण के लिए नहीं कह रहा हूं, हमारे हर कार्यक्रम देख लो आप, हर कार्यक्रम, वो गरीब को मजबूती देते हैं, वो महिलाओं को मजबूती देते हैं, वो युवाओं को मजबूती देते हैं, वो किसान को सशक्त करते हैं। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। हमारे नेता भी बोल रहे थे, विनोद सिंह जी ने थोड़ी देर में चर्चा की, उन्होंने बातचीत की, विकास की, तो यही देश था ना जहां एक भारत का प्रधानमंत्री बोलता था कि 100 पैसा भेजता हूं, 100 रुपए भेजता हूं तो 15 ही पहुंचता है। आज मोदी जी ने 45 करोड़ जनधन खाते खोलकर, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, उनके खाते में बिना बिचौलिए के सीधे भारत सरकार का पैसा पहुंचाने की योजना की है। अब जनधन खाते में 100 रुपया उनके खाते में जाता है, यह है अंतर। इस अंतर को समझो, गरीब कितना सशक्तिकरण हुआ है,
प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा सीधा जाता, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के सीधा उन तक पहुंचता, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सीधी उन तक पहुंचती है, कोई बिचौलिया नहीं, कोई बीच में नहीं। और योजनाएं सौभाग्य योजना उठा लो, अरे मोदी जी का इंतजार करना पड़ा, 18,000 गांव ऐसे थे जिनको बिजली नहीं थी। मैं 2012 के चुनाव में आया था, मैं 2012 के चुनाव में यहाँ पर प्रचार करने के लिए आया था, मैंने सबको कहा कि भैया मेरे को सूर्यास्त से पहले ही घुमा लो गांव, उसके बाद बड़ा मुश्किल होता है, तुम मेरे आगे ये 100 रुपया लेके चलते हो, पता नहीं मैं नाली में गिरूं कहां गिरूं समझ में नहीं आता, सड़क कहां होगी खत्म होगी मालूम नहीं, अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा। ये उत्तर प्रदेश मैंने अपनी आंख से 2012 में देखा है। और आज हमारे लोग बोलते हैं 16 घंटे नहीं 24 घंटे बिजली चाहिए, 24 आवर्स, 24 घंटे। 18,000 गांव को बिजली दी है, 2.5 करोड़ लोगों के घर में बिजली पहुंचाई है।